मंगल भावना अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सुंदर कांड का पाठ हमें कितनी आसानी से, किस प्रकार से पढ़नी चाहिए, ये आसान विधि से हम प्रतिदिन पढ़ पाए या पूरा पुस्तक पढ़ें या आधा पढ़ें, बहुत सारे आप लोग के डाउट भरे सवाल भी रहते हैं वो भी हम जानेंगे। और क्या नियम विधि है सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन अपने घर में करने से हमें कौन कौन से लाभ मिलते हैं, हर चीज मैं आसानी विधि से आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के छोटे छोटे सवाल है वो जान लेते हैं। आप लोगों को डाउट होता है पढ़ने में, ऐसे में पहला वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आप लोगों के जो सवाल है वो लेते हैं। पहला कि दीदी, हम लहसुन प्याज क्या खा सकते हैं सुंदर कांड अगर प्रतिदिन अपने घर में पढ़ते हैं तो खाना चाहिए? बिल्कुल खा सकते हैं, ऐसा कुछ नियम नहीं है कि सुंदर कांड हम पढ़ रहे हैं तो लहसुन प्याज का सेवन नहीं करेंगे, आप आराम से कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि कभी कभी हम नहीं पढ़ पाते हैं तो इससे कुछ हानि तो नहीं होगा? तो जी नहीं, जब आप व्यस्त हों किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, जब समय मिले तभी पूजा पाठ कीजिए। भगवान ऐसा नहीं बोले हैं कि आप परेशान हैं फिर हमारा नाम लीजिए, समय नहीं है तो मत लीजिए, ठीक है, समय है तभी लीजिए। तीसरा आप लोगों का सवाल क्या है कि दीदी, जितना चाहे उतना ही पढ़ सकते हैं अगर समय नहीं है पूरा पाठ करने का, पूरा पुस्तक पढ़ जाने का? जी बिल्कुल, आप लोग दो पेज, चार पेज, छह पेज, जितना आपसे पढ़ा जाता है उतना ही पढ़िएगा। अगर समय है तो पूरी पुस्तक आप पढ़ सकते हैं, समय नहीं है तो आप दो पेज भी पढ़िएगा, मैं पढ़ के बताती हूँ कहाँ हमें छोड़नी है। अगली चीज क्या है कि दीदी, जब सुंदर कांड का पाठ करते हैं तो क्या दीपक जलाना जरूरी है? तो जी, जब आप सुंदर कांड का पाठ, रामायण जी का पाठ करते हैं तो दीपक अनिवार्य है, सुबह शाम आप जब चाहे पढ़ सकते हैं। सुबह में समय नहीं है तो शाम को भी आप लोग दीपक जला के रख लीजिए। एक दीपक जो है साक्षी माना जाता है किसी भी पूजा पाठ का, तो प्रज्वलित करके अपने सामने रखकर सुंदर कांड का पाठ आप लोग कर सकते हैं। अगली चीज क्या है कि दीदी, सप्ताह में अगर समय नहीं है तो दो दिन ही क्या केवल पढ़ सकते हैं, मंगलवार और शनिवार को? तो जी आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं सुंदर कांड का पाठ। आप लोग को मालूम ही है जिस घर में होता है, जिस जगह पे होता है, वहां का एक वातावरण ही अलग हो जाता है। किसी भी प्रकार का दुख, कष्ट, रोग, व्याध, नौकरी के लिए, विवाह के लिए अगर आप परेशान हैं, नहीं आपका हो रहा है तो आप पढ़ के देखिए अपने घर में। एक आप लोग को निश्चित समय बनानी चाहिए या जब समय मिले तभी बनाइए और कीजिए जरूर प्रतिदिन। इस कलयुग में एक ही सहारा है, भगवान का नाम लेना, और अगर आप हनुमान जी का नाम अपने घर में लेते हैं, सुंदर कांड का पाठ करते हैं, तो जिससे आपको मालूम है कि हनुमान जी का नाम लेने से हमारे श्री राम जी हमारे ऊपर प्रसन्न रहते हैं। तो आशा करती हूँ हर चीज आप लोग को, जो आप लोगों ने सवाल पूछा था सब कुछ बता दी। अभी मैं पढ़ के भी आपको बताती हूँ, जो जिन बहनों से नहीं पढ़ा जाता, जिनको कठिनाई होती है पढ़ने में, वो समझ लेंगी कि कैसे हमें पढ़नी है, ठीक है। और आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं और जब समय मिले तब कर सकते हैं। आप चाहे तो दोपहर में, मतलब कई ऐसे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जो कि जहां बैठते हैं वहीं करते रहते हैं, तो उनको दीपक जलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सुबह शाम करना चाहते हैं तो दीपक पक्का जला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि सुंदर कांड हमें कैसे पढ़नी चाहिए और प्रतिदिन पढ़िएगा, फिर आप लोग को देखिएगा कितना लाभ मिलेगा। तो इसी प्रकार का पुस्तक है ये, मेरा बहुत पुराना पुस्तक है हनुमान जी का, देखिए इसमें फोटो बनी हुई है, चित्र है, तो आप ऑनलाइन भी ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा या किसी भी बुक स्टॉल पे आपको मिल जाएगा जहाँ पूजा पाठ की पुस्तकें मिलती हैं, तो आप लोग एक मंगा लीजिएगा। और ये हिंदी में दिया रहता है, इतना भारी नहीं है, आप कोशिश कीजिएगा आप लोगों से हो जाएगा। तो देखिए हमें शुरू कैसे करनी है, तो देखिए यहाँ लिखा है सुंदर कांड, ठीक है, मंगलाचरण, तो ये थोड़ा सा पढ़ने में कठिनाई होती है, धीरे धीरे पढ़िएगा क्योंकि इसका उच्चारण इतना आसान नहीं है। तो देखिए हमें पढ़नी कैसे है,
शान्तं शाश्वतं प्रियमनघं निवारणं शान्तिप्रदं ब्रह्माशम्भुफणिदृश्यभ्यमानिसं वेदान्तभेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नैन्यास्प्रिया रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान्तखिलान्तरात्मा भक्तिप्रयच्छ रघुपुण्डो निर्भरां मे कामो दिशोषरहितं कुरु मानसं च तुलितबलधामं हेम शैलवदेहं दनुजवन कृशानुम ज्ञानीनाम ग्रहगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। तो देखिए अब हिंदी में हमें कैसे पढ़नी है, यहाँ से तो ऊपर वाला थोड़ा सा कठिनाई होती है, धीरे धीरे आप लोग मिला कर पढ़िएगा। आप लोग कहते हैं दीदी हम नहीं पढ़ पाते हैं, हमसे अशुद्ध हो जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अशुद्ध ना पढ़ें, लेकिन कोशिश कीजिएगा तो जरूर आपसे हो जाएगा। तो कैसे पढ़नी, आप चाहे तो नॉर्मल भी पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो गला से गाकर भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है जिस घर में सुंदर कांड का पाठ होता है, अपने बड़े बुजुर्गों को आप पढ़ के सुना भी सकते हैं। जामवंत के बचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए तब लागी मोहि परखे हो तुम भाई सहे दुख कंद मूल फल खाई जब लागी आव सी तही देखी हो यही काज मोहि हर्ष विशेषी यह कही नाई सब इन कहूँ माथा चले हरसी ही अधरि रघुनाथा। तो देखिए इस प्रकार से हम पढ़ेंगे, गले से आप पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुकून मिलता है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़ो ताऊ पर बार बार रघुबीर संभारी पर तर क्यों पवन तनय बल भारी जे गिरि चरण देई हनुमंता चले सोगा पताल तुरंता जिमी अमोघ रघुपति कर बाना यही भांति चले हनुमाना जल निधि रघुपति दूत विचारी तय मैं ना खोई श्रम हारी। तो देखिए यहाँ आ गया दोहा, तो दोहा में हमें कैसे पढ़नी है, संपुट कैसे लगानी है आपको बता देती हूँ। तो जब दोहा आएगा तो हमें इस प्रकार से पढ़नी है, हनुमान ते ही परसा कर पुण्य किन्हे प्रणाम राम काजु किन्हे बिनो मोहि कहाँ विश्राम सियावर रामचंद्र की जय। या आप बोल सकते हैं मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। फिर नीचे जात पवन सुत देवन देखा जाने को बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम अहिन कै माता पठे इन आई कहते ही बाता आज सुरन मोहि दिन आहारा सुनत वचन कही पवन कुमारा राम काज कर फिर मैं आओ सीता कही सुधि प्रभु सुनाओ जब तब बदन पैठे आई सत्य कहो मोहि जान दिमाई कौन हो जतन दे नहीं जाना ग्रस सीना मोहि कहूँ हनुमाना जो जन भरते ही बदन पसारा कपितनु किन्न दुगुन विस्तारा सोरा जो जन मुखते ठयो तुरत पवन सुत बत्तीस भयो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासुदून कपि रूप दिखावा सत जो जन ते आनन कीना अति लग रूप पवन सुत लीना। दोहा राम काज सब करो तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो हर सी चले हनुमान सियावर राम चंद्र की जय। तो इस प्रकार से हमें पढ़नी है, और फिर यहाँ से निशिचरी एक सिंधु महु रही करी माया न भूखे खग गही जीव जंतु जे गगन उड़ाई जल बिलो की तिन के परिछाई गई छा सब सो न उड़ाई यही विधि सदा गगन चर खाई सोई छल हनुमान कह किन्हा तासु कपट कपि तुरत ही चिन्ना ताही मारी मार उत्सुत वीरा बार दी पार गयूं मत धीरा। तो देखिए आप इस प्रकार से जब कभी भी पढ़ कर आते हैं सुंदर कांड का पाठ हो या रामायण जी का पाठ आप करते हैं, सात कांड होते हैं
रामायण में आप लोग को मालूम है, तो उसी में से एक सुंदर कांड है जिसमें केवल हनुमान जी का बखान दिया हुआ है। अगर आप हनुमान जी का बखान करते हैं तो हमारे श्री राम जी भी प्रसन्न होते हैं। तो जब कभी भी आपको पढ़नी है और आप चाहते हैं समय नहीं है, तो आप अपने दाहिने पेज पर, कभी भी दाहिने वाले ये जो पन्ना है, पेज है, इसके ऊपर आपको छोड़नी है। अगर पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पूरा पाठ कर जाइए, पूरी पुस्तक को समाप्त कर दीजिए, लेकिन अगर पूरा नहीं पढ़ पाते तो कभी भी दाहिने पेज पर छोड़नी है, बाएं पर नहीं, लेफ्ट पे नहीं छोड़नी है, राइट पे छोड़नी है। समझ में आ गया? और यहाँ पर आप चिन्हित कर दीजिए, कोई निशान लगा दीजिए, कुछ रख दीजिए। फिर ये पांचवा नंबर पेज है, तो कल हम जो है छठे से यहाँ से पढ़ना आरंभ करेंगे। तो यहाँ से आपको पढ़नी है, छंद भी कभी आता है, छंद भी जब आप पढ़ लेते हैं तो संपुट मतलब आपको जरूर लगानी है, मंगल भवन मंगल हारी आपको जरूर बोलकर ही आगे बढ़नी है, क्योंकि देखिए यहाँ दोहा भी है, तो दोहा और छंद जब पढ़ लेते हैं तो पक्का आपको संपुट लगानी है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सुंदर कांड का पाठ हमें कैसे करनी चाहिए, और सप्ताह में क्या दो दिन कर सकते हैं या प्रतिदिन कर सकते हैं। समय है तो प्रतिदिन जरूर कीजिए, आपको इसका लाभ कुछ दिनों में ही, मात्र कुछ दिनों में ही आपको पता चलेगा कि सुंदर कांड अगर घर में होता है तो कितना सुकून मिलता है और कितनी सुख समृद्धि बनी रहती है। एक बार जरूर मेरी बातों पर विश्वास करके आप लोग करके देखिएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम।